क्या आपको पता है भारत में कोरोना जैसी महामारी क्यों आई है? अगर आपको नहीं है पता तो हम आपको सुनवाएंगे प्रियंका शास्त्री के माध्यम से। वो आपको बताएंगी कि भारत में कोरोना किन कारणों से आया है। उससे पहले हम आपको बता दें, प्रियंका शास्त्री के प्रवचन व भजन सुनकर श्रोता हुए आनंदित। जालौन के प्रतापपुरा महिया घास में प्रवचन व भजन कार्यक्रम ग्राम प्रधान व ग्रामवासियों के सहयोग से किया गया, जिसमें प्रवचनकर्ता व भजन गायिका प्रियंका शास्त्री ने सुंदर प्रवचन व भजन प्रस्तुत किए। इस दौरान कार्यक्रम के आयोजक मंडल द्वारा काल्पी विधायक नरेंद्र सिंह जादौन, माधोगढ़ विधायक मूलचंद्र नरंजन, विश्व हिंदू परिषद गौरक्षा विभाग के प्रांतीय सह संयोजक ओकार सिंह ठाकुर, बिक्की भैया आदि अतिथियों का माल्यार्पण किया गया व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। और उनका एक ही संदेश है कि गाय रक्षा करो, जिससे कि भगवान कहते हैं कि विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। भगवान का प्रागट्य होता है जब जब हो ये धर्म की हानि, बाढ़ है असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु दरि विविध शरीरा, हर कृपा निधि सज्जन पीरा। और गीता के अनुसार देखा जाए तो यदा यदा ही धर्मस्य ज्ञानी भवति भारतः, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। उसी नियम को पालन करते हुए कि भगवान जब गाय की रक्षा नहीं होती है, अधर्म अधिक बढ़ने लगता है, धर्म का पलड़ा नीचे जाने लगता है और अधर्म हद से ज़्यादा बढ़ने लगता है, तब तक भगवान का प्रागट्य होता है। तो आज मानो ऐसा प्रतीत होता है कि ओंकार भैया भगवान के स्वरूप ही हो, क्योंकि गाय रक्षा कर रहे हैं। वेद कहते हैं, गीता जी कहते हैं, यथा देवेशु वेदेशु गोषु विप्रेशु साधुषु धर्मे मयी च विद्येषु सर्व आयु विनश्यति। जो वेदों का हनन करते हैं, जो गायों का हनन करते हैं, आज हम देख रहे हैं कोरोना जैसी महामारी आई है। क्यों आई है? इसी वजह से आई है क्योंकि गाय पर छुरियां चलाई जा रही हैं, साधुओं को काटा जा रहा है, और ये सभी कारण हैं कि प्रकृति अपना प्रकोप दिखा रही है। आज हम ऐसे कलयुग में रह करके और आज ओंकार भैया जैसे महान व्यक्ति गौ रक्षा कर रहे हैं, बड़ी विकास की बात है, बहुत अच्छी बात है। और उन्हीं के सम्मान में, क्योंकि शास्त्र कहते हैं, श्रीमद् भागवत गीता तो कहती है, रामचरितमानस में वर्णन आया कि जा दिन धरा धेनु नहीं होई और रसा रसा तलता चल होई। जिस समय इस धराधाम पर गैया नहीं होगी, गैया मैया नहीं होगी, उसी दिन ये धरती क्षीण हो जाएगी, रसातल में चली जाएगी। और आज हमारे भैया ओंकार भैया गाय की रक्षा कर रहे हैं, जिनका संदेश है। भैया जी का एक नारा है, हम सभी देशवासी गैया मैया को बचा लो, हम सभी देशवासी गैया मैया को बचा लो। गैया का दूध जैसी अमृत की धारा, गाय को बचाओ हो वे सबका ये नारा, मानवता का कर्ज चुका दो, हम सभी देशवासी गैया मैया को बचा लो। जिस